मेहनत करने वालों की कदर करिए। इतना ज्यादा ट्रैफिक ट्रैफिक पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ। प्योर देसी घी की जलेबियां स्वादिष्ट। तो एक्चुअली देयर इज अ बिग न्यूज फॉर एवरीवन। शिल्पी की आंखों में हो रहा है थोड़ा सा दर्द। ओए ये क्यों हिल रही है इतनी? न्यू ब्लॉग। अभी मैं आ गया हूँ हाईवे पे टोल पे, जो कि मेरी गाड़ी में फास्टैग नहीं था। तो आजकल हाईवे पे ऐसे कैनोपी लगा के भाई लोग बैठे रहते हैं हम ही जैसे लोगों की मदद करने के लिए। वैसे तो उन्होंने बोला कि 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है, तुरंत एक्टिवेट भी हो जाएगा। कभी ये गाड़ी बाहर नहीं निकली ना शहर से एज सच, तो फास्टैग लगवाया नहीं। आज जाके इसमें फास्टैग लगवा रहा हूँ। ऑलरेडी भाई रेडी। अब जाए कट जाएगा ना टोल, रोकेगा तो नहीं? नहीं नहीं, और रोकेगा तो अपना नंबर तुम देते जाओ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अरे भाई तो सीरियस हो गए यार। एनी टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो बस निकलते हैं। आप लोग भी कर लीजिए चैनल, भाई का चैनल सब्सक्राइब। यस, ये लोग करते नहीं है साले, वीडियो देख के चले। नहीं नहीं, आप लोग कर लीजिए, कोई मेहनत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करने वालों की कदर करिए। हम लोग कदर कर रहे हैं, आपने हमारी कदर की, हमने आपकी कदर की। थैंक यू भैया। चलो फिर मिलते हैं रोड पे जाके। ओके ठीक है, बाय कर दीजिए आप। बाय। तो गाइस अभी तक मैंने कवर कर लिए हैं 170 किलोमीटर। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ अलीगढ़। मैं आया अकेले भी था और अब वापस भी अकेले ही जा रहा हूँ। बाइक लेके आया था, अब कार लेके जा रहा हूँ। कुछ वहाँ से सामान है उसको लेकर के वापस इलाहाबाद आना है, इसलिए गाड़ी लेके जा रहा हूँ। लेकिन बाबा आज की ड्राइव, ओहो इतना ज़्यादा ट्रैफिक ट्रैफिक पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ। मैं समझ लो 1 बजे के आसपास निकला हूँ ये मान के चलो मैं, तो 1 बजे से 5 बजे तक हो गए। 4 घंटे में मैंने कितना चलाया है? 170 किलोमीटर। सारा टाइम तो मैंने इधर ही कंज्यूम कर लिया। अगर किसी को भाई दिल्ली वगैरह जाना हो इलाहाबाद से, डोंट पिक दिस रूट। ये रूट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली डे टाइम इसमें तो बहुत ज़्यादा। रात का मुझे नहीं पता, लेकिन स्टिल देखो डाइवर्जन ही डाइवर्जन है, तो बहुत टाइम लग रहा है यार इस वजह से इस रूट पे। मेरे हिसाब से तो लखनऊ वाला रूट पकड़ो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फर्स्ट ब्रेक इन फ्रंट ऑफ PSIT, जो कानपुर का फेमस कॉलेज है, काफी लोगों को पता होगा PSIT, उसके जस्ट सामने मैंने ब्रेक लिया। उधर एक दो स्टोर्स हैं, वहाँ से चाय वाय पी, कुछ मंचीज लिया, ये सब। नींद भी कुछ भी नहीं आ रही है, लेकिन आप देखो यार बहुत गजब का ट्रैफिक है भाई। इस ट्रैफिक में समझ लो भाई कितनी तेज निकल पाऊंगा मैं, इसीलिए तो लेट हो रही है। कोई नहीं, बस जल्दी से निकलते हैं अब यहाँ से, बैक ऑन द रोड, फिर मिलते हैं आगे आप लोगों से। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कल मैं शाम को थोड़ा लेट से पहुंचा, ऑलमोस्ट 12 बजे से ज़्यादा हो गया था पहुंचने में। आए घर खा पी के सो गए, सुबह अभी उठे, इट्स अ गुड मॉर्निंग टुडे, और अभी नाश्ता लेने के लिए बाहर आ गए। आवाज़ पता नहीं मेरी आ रही होगी नहीं आ रही होगी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है रोड पर, आपको दिख रहा होगा शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल आए इधर पाठक स्वीट्स, जलेबी और कचौड़ी लेने के लिए। कचौड़ी तो लेकर हमने मूलचंद से पहले ले ली, क्योंकि मूलचंद वाला तो फेमस है ना यहाँ पे। तो अभी भाई के पास आए हैं जलेबियाँ लेने, दिखाते हैं कि जलेबी एग्जैक्टली यहाँ कैसे बनती है।
अच्छा करने के बाद आ गए वापस से अपने घर पे। तो एक्चुअली देयर इज अ बिग न्यूज फॉर एवरीवन, आई हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अलीगढ़ टू इलाहाबाद। तो इसी चक्कर में मैं अभी बाइक से गया था इलाहाबाद, वहाँ पे अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया और अब वापस कार लेके आया हूँ अलीगढ़ पे अपना पूरा सामान लेके जाने को और शिल्पी और ऑगी को लेके जाने को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक ट्रक करना पड़ेगा जिसमें अपना पूरा सब सामान लोड हो पाए, क्योंकि बहुत सारा सामान हो गया हम लोगों के पास। शिल्पी के भैया भाभी भी आए हुए हैं, बुआ जी भी आई हुई हैं, मिल्की भी आए हुए हैं, वो लोग अभी शिल्पी के मम्मी के घर पे हैं। तो अभी सुबह उनके यहीं पे हमने नाश्ता पानी किया, फिर करके यहाँ चले आए अब अपने पैकिंग शुरू करने। कई सारे सामान देखो शिल्पी ने पैक करके पहले ही रख दिए हैं, जो उसके समझ में आया कि हाँ क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है। यहाँ से भी कई सामान है देखो जो उसने पैक करके रख दिए हैं। अभी फिलहाल मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि अभी पहले अपना ये अलमीरा मैं हटाता हूँ, इसको पूरा डिसमेंटल करता हूँ, इसका सामान देखते हैं कि किस में भरा जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ टास्क, लेकिन फिर भी मैं इसे करूँगा क्योंकि भाई करना ही है, देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो वे आउट, ये करना ही पड़ेगा। हटो ऑगी, हटो, करने दो काम, काम करने दो। ये मेरी अलमीरा का मैंने ये उतार के लाया उसमें से, देखो अलमीरा का कवर उतार के लाया यहाँ लगाने को। फिर महाशय जी यहाँ आके बैठ गए। हटो गुलू, आप उधर बैठो, आपका बेड यहाँ है, यहाँ बैठो, चलो आओ इधर आओ, चलो। अलमीरा का काम तो हो गया, मैं सोच रहा हूँ जो हेलमेट वाले दो डब्बे हैं ना इनका कुछ हला वाला करता हूँ, जो भी हेलमेट्स लेके जाने हैं उन्हें इसमें रखता हूँ और बाकी जो बाइक के एक्सेसरीज का सामान है वो भी इन्हीं में एडजस्ट करके इसको भी इस रूम से हटा के बाहर रखता हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ ना जो मेरी अलमीरा से सामान निकला है जो भी है वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो चादर हो, टावल हो, डेली वेयर वाले कपड़े हो, ऑफिस वाले कपड़े हो, एनीथिंग, मैं उसको इस रक्सैक में भर लेता हूँ, क्योंकि फ़ायदा क्या है रक्सैक बंद के वापस जाए, इसमें कपड़े लगा लूँगा तो एटलीस्ट ये यूज़ में आएगा, इसमें काफ़ी स्पेस है, दिस इज़ 75 लीटर का रक्सैक, बहुत ईजिली ये सारे कपड़े आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम ये हो गई है, शिल्पी की आंखों में हो रहा है थोड़ा सा दर्द, तो अब उसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास दिखाने को। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कई दिनों से चल रही थी, तो आज जब बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल हो गई तो आज ये डिसाइड किया कि चलो डॉक्टर को दिखाई देते हैं, फालतू लेट करने से फ़ायदा क्या। मैंने नेक पिलो इसलिए लगाई हुई है क्योंकि इसको गाड़ी में रखना था, तो ऊपर से ले आया नीचे, अब ऐसे ही मज़े में लगा लिया है, ऐसा कोई इशू नहीं है, लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। शिल्पी तुम्हारी हालत ज़्यादा ख़राब सी लग रही है मेरे को, है ना, ठीक है अब बस डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, इसको पहले दिखाते हैं फिर आगे का देखते हैं क्या सिस्टम है। A few moments later. भाई शिल्पी को डॉक्टर के यहाँ से लेके आ गए अभी, उसने ये बताया कि उसकी जो लेंस लगाती है ना वो उसमें थोड़ा स्क्रैच वगैरह लग गया है, तो इस वजह से आंखों में थोड़ा सा कुछ घाव हो गया है, नथिंग टू वरी अबाउट, सही हो जाएगा, एक दो आई ड्रॉप्स लिखी है, विटामिन सी की कुछ टैबलेट्स लिखी है और ये बोला है कि अपना लेंस आप चेंज करा दीजिए। बाकी घर की हालत आप लोग देखो, कुछ सामान उधर पड़ा है, कुछ सामान इधर पड़ा है, बाकी सामान ऐसे पड़ा हुआ है और अभी मैं सही बताऊँ तो बहुत कुछ बाकी है करने को। तो जैसा अभी मैंने आप लोगों को दिखाया सारा सामान, एक एक सामान खुल के बिखर चुका है, इन्वर्टर यहाँ है, जो पंखे मैंने लगवाए हुए थे इस फ्लैट में वो मैंने निकलवा दिए हैं और बाकी सारी चीजें भी पैक्ड हो चुकी हैं और इस रूम से भी चीजें खाली होनी है, वो कल सुबह हो जाएंगी। मैं गया हूँ बहुत ज्यादा थक, लाइक सीरियसली बहुत ज्यादा थक। अभी फिलहाल हमारा सामान लोड होगा कल, अभी तो हमने निकाल के ऐसे रख दिया है, अभी तो एक एसी वाले बंदे को आना है, एसी अभी निकालेगा, यही है चीजें। तो अब मेरे ख्याल से इस वीडियो को इधर ही करते हैं एंड। आई थिंक इस फ्लैट का
ये लास्ट व्लॉग एंडिंग हो रहा है क्यों, वरना कल जब यहाँ से निकल रहे होंगे व्लॉग स्टार्ट जरूर होगा लेकिन एंड यहाँ पे नहीं होगा। तो फॉर द वेरी लास्ट टाइम इन माय लाइफ मैं इस व्लॉग को इस फ्लैट से एंड कर रहा हूँ। यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। शिल्पी और ऑगी खेल लो, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। अरे 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 आराम से बाबा आराम से।